वेलकम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ वर्ड कोच गेम। और इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिंपल अपने मोबाइल के सर्च में जाना है और टाइप करना है वर्ड कोच। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे गेम आपके सामने आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो वर्ड कोच लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न न्यू वर्ड्स नीले कलर से, आप यहाँ देख सकते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वर्ड इज सिमिलर टू मिरेकल, दैट इज वंडर। बिल्कुल सही, सही तुक्का लग गया मेरा। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ हेजिटेंट, तो सर्टेन तो हेजिटेंट होगा नहीं, तो वर्जिन का मीनिंग हमें पता नहीं है बट सर्टेन का पता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये होगा। मैं इसका जरा ऑडियो ऑडियो इसका बंद हो जाएगा, हो गया ऑडियो इसका बंद हो गया। तो सर्टेन तो हेजिटेंट होता नहीं है, वर्जिन होगा, ये गलत हो गया हमारा। वैसे उन्होंने अपोजिट पूछा था, मतलब क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, सही सही क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। विच वर्ड इज सिमिलर टू वैल्यू, एडवोकेट, इवेल्युएट। सो वैल्यू इवेल्युएट से ही मिलता जुलता है। एडवोकेट मींस होता है वकालत करना, साथ देना, तो इवेल्युएट पे क्लिक करते हैं। एकदम सही तुक्का लगा हमारा, थोड़ी सी नॉलेज थी ऐसे। Which word is similar to deceased? Deceased का मतलब होता है मर जाना, तो dead का मतलब भी होता है, तो dead। स्कोर हो गया मेरा 420। अब ये इमेज वाला क्वेश्चन है, Which image best fits the word splitting? Splitting, ये हम वीडियो एडिटिंग में भी यूज करते हैं। स्प्लिटिंग माने दो हिस्से करना, तो ये जो लेफ्ट में पिंक कलर की इमेज दिख रही है ये इसका मतलब है स्प्लिट। वाओ, स्कोर बढ़ गया, एकदम बढ़िया। तो हमारा जो स्कोर है वो है ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे, लेवल अप। बोल रहे कि भाई आप तो ये वाले जो शब्द थे तो आसान थे आपके लिए, अब आपके लिए हम और मुश्किल वर्ड्स लेकर आएंगे। कंटिन्यू किया तो बोल रहे इंटरेस्ट से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है। विच वर्ड इज सिमिलर टू इंटरेस्ट, परफेक्ट और अट्रैक्ट। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाली चीज होती है वो अट्रैक्ट करती है। सही तुक्का लगा हमारा स्कोर 720। और विच इमेज बेस्ट फिट्स द वर्ड रनर, कौन सी वाली जो पिक्चर है वो रनर से मिलती जुलती है, तो दिख ही रहा है दौड़ते हुए लोग हैं। 880 का स्कोर हो चुका है, स्कोर आप देख सकते हो ऊपर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है 880। विच वर्ड इज सिमिलर टू वुंड, वुंड माने होता है चोट, और इंज्योर नीचे लिखा है, इंज्योर माने भी चोट होता है, और इंड्यूस माने होता है किसी चीज का बताना, परिचय कराना, कुछ वैसा होता है, तो इंज्योर। स्कोर हो गया हमारा 1040, मतलब एक सही जवाब देने पे आपको 200 का मिलता है, बट इस बार बोल रहा है कि 500 मिलेगा। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ हेजिटेंट, तो हेजिटेंट का अपोजिट पूछा है इसमें, इसलिए सर्टेन। पूरे 500 मिले इस बार, स्कोर हो गया 1500 और फिर 500 मिलेंगे। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ इन्वॉल्व्ड, अगर इन्वॉल्व है कोई आदमी और अपोजिट पूछ रहा है, तो इन्वॉल्व है तो उसको नॉलेज होगी, और इन्वॉल्व नहीं है तो स्ट्रेंज होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कुल मिलाकर हम एक गलती फिर कर गए। ऑलमोस्ट परफेक्ट 1540 का स्कोर है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है, मुझे ऑलमोस्ट परफेक्ट कैटेगरी पसंद नहीं है, धीरे धीरे इसको परफेक्ट ही करेंगे। Which word is similar to halt? Halt माने होता है रुकना, और जब stump आती है कोई चीज तो stump तो रुकना नहीं होगा, stop माने रुकना होगा। स्कोर बढ़ गया 200। Which word is similar to broadly? Broadly माने बहुत बड़ा, चौड़ा, कुछ वैसा। Similar पूछा है, morally, mainly। Morally तो कोई मतलब नहीं बनना, mainly देख लेते हैं। कई बार तुक्का ऐसे लग जाता है, एक चीज पता होती है कि ये नहीं हो सकती। विच इमेज बेस्ट फिट्स द वर्ड एंट, चींटी किससे मैच कर रही है, तो चींटी दिख ही रही है।
आसान भी बहुत दे रहा है ये। विच वर्ड इज सिमिलर टू वारंट? वारंट जब निकलता है तो आपको सूचना दी जाती है, और सूचना देने का मतलब है नोटिफाई। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ इन्वॉल्वड? पिछली बार स्ट्रेंज गलत था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सही होगा। ये एक अलग तरीका है सीखने का, फिर से ऑलमोस्ट परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग? कोई चीज आउटस्टैंडिंग है तो मतलब वो भीड़ से अलग है। मोबाइल माने कोई चीज होती है चलने वाली, मीडियोकर माने कोई चीज होती है एवरेज, और आउटस्टैंडिंग का अपोजिट होगा एवरेज। बहुत सही तुक्का मारा हमने, तुक्का नहीं था वैसे, एक्सप्लेन भी किया था मैंने। व्हाट इज शोन इन दिस इमेज? इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, रेफ्रिजरेटर या रेगुलेटर? मुझे इसमें रेफ्रिजरेटर दिख रहा है, बिल्कुल सही। विच वर्ड इज सिमिलर टू वारंट? वैसे वारंट का मतलब नोटिफाई होना चाहिए, अब तक तो मेरे दिमाग में यही था, वारंट निकल गया है। वारंट निकल गया है तो जस्टिफाई तो नहीं होना चाहिए था, बट देखेंगे, हम भी सीख रहे हैं। विच वर्ड इज सिमिलर टू डिफेक्ट? डिफेक्ट माने कमी और फॉल्ट माने कमी। विच वर्ड इज सिमिलर टू मोबाइल? मोबाइल माने चलने वाला, मैनेजिंग माने चलने वाला नहीं होता, मूविंग माने चलने वाला होता है। बहुत सही, हमारा स्कोर हो गया है 3660, परफेक्शन। और ये स्टेज मुझे बिल्कुल पसंद है, 3660 वाली। चलिए तो मतलब बहुत सी चीजें हैं जो नई आएंगी। अब उसने फिर हमारा लेवल अप कर दिया, बोलता बेटा आप बहुत सही कर रहे हो, लेवल अप करो, और मुश्किल देगा आप। बोलता विच वर्ड इज सिमिलर टू वर्शिप? पूजा करना। तो रिवेंज माने बदला लेना होता है, रेवरेंस माने पूजा करना होता है। विच इमेज बेस्ट फिट्स द वर्ड ब्लैकबेरी? वो तो यार दिख ही रहा है, इतना आसान मत दे यार, ठीक है। विच वर्ड इज सिमिलर टू एपेक्स? एपेक्स माने ऊंचाई होती है, और टिप, टिप शायद ऊंचाई पे ही होती है, टर्निप नहीं होता, टर्निप तो कुछ फ्रूट वगैरह होता है। सिमिलर पूछ रहा है, टिप करते हैं। बहुत सही तुक्का मार दिया हमने एक्सप्लेन करने के बाद। विच वर्ड इज सिमिलर टू गुड लुकिंग? गुड लुकिंग अगर कोई चीज होगी तो अट्रैक्टिव होगी। विच वर्ड इज सिमिलर टू क्लाइमेक्टिक? ये तो भाई खतरनाक है, क्लाइमेक्टिक, क्लाइमैक्स भी हो सकता है, फाइनल होगा अगर क्लाइमैक्स होगा तो। क्लाइमेक्टिक मुझे वास्तव में एक बार पढ़ा तो है मैंने कहीं है, पर ध्यान नहीं है। मुझे लग रहा है क्लाइमैक्स फाइनल होता है, बट फ्रैक्शनल चूज करेंगे अपन। बिल्कुल गलत, हम पहले ही सही थे, फिर से ऑलमोस्ट परफेक्ट। विच वर्ड इज सिमिलर टू काम? शांति। शांति एक म्यूजिक होता है, ट्रांक्यूल म्यूजिक, ट्रांक्यूलिटी, ये भी शांति होता है, ट्रांसप्लांट शांति नहीं होता। सिमिलर पूछ रहा है, ट्रांक्यूलिटी। उसके बाद विच वर्ड इज सिमिलर टू क्लाइमेक्टिक? भाई अब तो पता है हमें, फाइनल है, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्टिक। विच इमेज बेस्ट फिट्स द वर्ड ग्रिजली? ग्रिजली भालू के लिए इस्तेमाल होता होगा, भालू। विच वर्ड इज सिमिलर टू स्ट्रे? स्ट्रे माने इधर उधर फालतू में दौड़ने वाला, तो कुत्ते होते हैं स्ट्रे डॉग्स, रेंडम होगा। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस? सेल्फ कॉन्शियस को पता होता है कि मैं कौन हूँ, क्या कमी कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, तो वो कॉन्फिडेंट होता है बंदा, बट ये अपोजिट पूछ रहा है, तो रेजिलियंट। ओहो गलत हो गया, चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। विच वर्ड इज सिमिलर टू ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन मतलब टूट गया, मतलब मेल फंक्शन हो गया। विच वर्ड इज सिमिलर टू फनल? फनल होता है ट्यूब, एक तरफ से डालो एक दूसरी तरफ से निकालो, राहुल गांधी वाला। विच वर्ड इज सिमिलर टू पॉइजन? जहर, जहर टॉक्सिन होता है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस? पिछली बार रेजिलिएंट किया था हमने। सेल्फ कॉन्शियस ऐसा भी हो सकता है, मतलब बंदे को बार बार सोच रहा है सही हूँ गलत हूँ क्या हूँ कैसा हूँ, तो उसका जो अपोजिट है वो कॉन्फिडेंट होगा, वो नहीं सोचता ज्यादा, सही है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिज्म? ऑप्टिमिज्म माने होता है सकारात्मक सोचना, और उसका उल्टा पैसिमिज्म। बहुत सही जा रहे हैं हम, परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं। एक और लेवल बढ़ा दिया भाई ने हमारा, तो सही है, मतलब इससे हमारी जो वोकैबुलरी है अच्छी हो रही है, लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है इससे। विच वर्ड इज सिमिलर टू सर्विस? सेवा देनी है, तो ओवरहॉल करना भी इससे सही, सेवा करना होता है, और पेट्रोल करना होता है, जो सिपाही इधर उधर चक्कर लगाते हैं वो चौकीदारी करना होता है, ओवरहॉल ऐसे थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना तो चीजें हो जाती हैं। विच इमेज बेस्ट फिट्स द वर्ड बर्गलर? बर्गलर माने लूटने पूटने वाला, ये जो दरवाजा खोल रहा है ये हो सकता है।
ठीक है, विच वर्ड इज सिमिलर टू कोजी? कोजी माने जहां पे आराम मिलता हो, सोबर हो सकता है? नो। विच वर्ड इज सिमिलर टू अनवांटेड? अनवांटेड कोई चीज है तो अनवेलकम होगी। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ मेक बिलीव? मेक बिलीव कैसा होता है? मेक बिलीव तो नकली होता है, रियलिटी असली होता है, बट वो अपोजिट पूछ रहा है, तो मेक बिलीव में नकली और रियलिटी असली। ऑलमोस्ट परफेक्ट, एक गलती करी थी हमने। विच वर्ड इज सिमिलर टू कोजी? हमने पिछली बार सोवर किया था तो इस बार इस ना कर देते हैं, ऐसे हम सीख गए। विच वर्ड इज सिमिलर टू प्रीन? प्रीन, प्रीन का सिमिलर तो क्लीन, तुक्का था भाई ये पूरी तरह से। विच वर्ड इज सिमिलर टू नंबर? नंबर टोटल, लगभग मिलता जुलता था। विच वर्ड इज सिमिलर टू डिडक्शन? डिडक्शन माने घटाना, सब्ट्रैक्शन माने भी घटाना होता है। विच वर्ड इज सिमिलर टू फेवरेबली? फेवरेबली, फेवरेबली मतलब पॉजिटिवली। परफेक्शन, तो कई बार परफेक्शन मिल गया भाई, बेस्ट स्कोर आ गया हमारा नेक्स्ट राउंड। विच वर्ड इज सिमिलर टू एक्सक्लेमेशन? एक्सक्लेमेशन माने होता है अचानक से कुछ हो जाना, और अचानक से रोएगा तो नहीं, आदमी क्रेज हो जाएगा। ओहो गलत हो गया। विच वर्ड इज सिमिलर टू फॉलिएज? फॉलिएज ग्रीनरी होगा। विच वर्ड इज सिमिलर टू मेहम? मेहम माने होता बसड़, बसड़ माने होता केओस। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ फेसी? फेसियस, फेसी फेसियस ऐसे बोलेंगे, फेसियस। भाई मेरे को वास्तव में नहीं पता, तुक्का लगाते हैं, दूसरा वाला रखते हैं, गलत। विच इमेज बेस्ट फिट्स द वर्ड कॉलीफ्लावर? वो तो दिख ही रहा है यार, हद हो गई। वेल डन कर रहा है, मतलब दो गलती कर दी। वेल डन माने बेइज्जती होती है भाई, नोट कर लेना। विच वर्ड इज सिमिलर टू मंच? मंच मतलब खा रहे हैं, च्यू। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ ग्रीड? लालच, लालच का अपोजिट होगा जेनरसिटी, जो दान देगा। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ फेसियस? पहले ये किया था, अब सीरियस करेंगे। ये सही था। विच वर्ड इज सिमिलर टू एक्सक्लेमेशन? पिछली बार क्रेज किया था, क्राई करेंगे। विच वर्ड इज सिमिलर टू ऑबर्न? ऑबर्न भाई कहीं पढ़ा तो है, टॉनी कर लेते हैं, तुक्का ही मारा था हमने। ये तुक्का मार के भी परफेक्ट हो जाता आदमी, ये नई बात है नोट करने वाली। स्कोर चुका हमारा 10,940 और लेवल अप कर दिया गूगल ने हमारा। विच वर्ड इज सिमिलर टू सॉल्टी? नमक, सेलाइन। विच वर्ड इज सिमिलर टू मडल? मडल हो रहा है तो कंफ्यूज हो रहा है। विच वर्ड इज सिमिलर टू होमसिक? होमसिक माने मतलब उसे घर की याद आ रही है, फिलहाल वो अकेला है। विच इमेज बेस्ट फिट्स द वर्ड ग्रेप फ्रूट? ग्रेप फ्रूट ये लेफ्ट वाला है, ऑरेंज वाला, ये ग्रेप फ्रूट कहीं देखा था मैंने। विच वर्ड इज सिमिलर टू स्नैग? स्नैग ये बड़ा मतलब मुश्किल है, वैसे मैं जो टूल इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है स्नैगेट। कॉम्प्लिकेशन तो होगा नहीं, कन्वेक्शन कर लेते हैं। ओह माय गॉड ये गलत हो गया, फिर से ऑलमोस्ट परफेक्ट पे आ गए, बेइज्जती हो गई। विच वर्ड इज सिमिलर टू अल्फाबेट? अल्फाबेट तो सिलेबरी होगा, मतलब ऐसी तुक्का मारा, सेकेंडरी नहीं लग रहा था ना मुझे। विच वर्ड इज सिमिलर टू पील? पील माने छिलका, छिलका छिलका छिलका, तो ब्लाइंड माने छिलका तो नहीं होगा, रिंड होगा, ऐसी तुक्का मार दिया, सीख गए हम। विच वर्ड इज सिमिलर टू स्नैग? पिछली बार कन्वेक्शन किया था, कॉम्प्लिकेशन कर लेते हैं। स्कोर बढ़ता जा रहा है, हम पागलों की तरह खेलते जा रहे हैं, बट सीखने को मिल रहा है, इससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ स्टिंगी? स्टिंगी मतलब कुछ बुरी सी चीज होती है, और कोई बुरी सी चीज का अपोजिट तो अच्छा सा वर्ड होगा, जेनरस। विच वर्ड इज सिमिलर टू गार्व? गार्व मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, बट सिमिलर पूछ रहा है तो ड्रेस तो लग नहीं रहा मुझे, लग नहीं रहा, तीनों में से डीकैंप कर लेते हैं, बिल्कुल गलत हो गया, गार्व माने ड्रेस होता है। चलिए 12,980 स्कोर मेरा है। विच वर्ड इज सिमिलर टू क्रीसेंट? क्रीसेंट माने होता है चंद्रमा। विच वर्ड इज सिमिलर टू टॉलरेंट? टॉलरेंट का मतलब होता है ओपन माइंडेड। विच वर्ड इज सिमिलर टू परवेयर? परवेयर माने होता है जो सर्वे करता है, जो सर्वे करता है वो सैंपल लेता है, बहुत गलत।
विच वर्ड इज सिमिलर टू गार, गार माने हमें पता है ड्रेस होती है। विच वर्ड इज सिमिलर टू कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड माने होता है डेलिबरेट, डेलिंक्वेंट, डेलिबरेट, डेलिबरेट होगा वैसे, ऑलमोस्ट परफेक्ट है भाई साहब, फिर से भेज दी है थोड़ी सी। विच वर्ड इज सिमिलर टू ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल माने होते हैं दाने और ग्रेन माने भी होते हैं दाने। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ डेफियंस, डेफियंस माने होता है बचाव करना, बच के चलना, और एडेरेंस माने होता है मिल के चलना। अपोजिट पूछ रहा था, ओबीडियंस कर लेते तो बढ़िया रहते। विच वर्ड इज सिमिलर टू परवेयर, सैम्पलर गलत था, सेलर हो गया, बेचने वाला। चलो एक नई चीज सीख ली। वॉट इज शोन इन दिस इमेज, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? सेकेंडरी दिख रहा है, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी दिख रहा है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ इन अपॉर्चून, इन अपॉर्चून, इन अपॉर्चून मतलब जिस जो काम का नहीं है, अप्रोप्रिएट माने जो काम का है, और अपोजिट पूछा है तो अप्रोप्रिएट हुआ ना, ये तुक्का था भाई, बिल्कुल परफेक्ट है, फिर भी जीती है। विच वर्ड इज सिमिलर टू ग्रेटनेस, ग्रेटनेस माने एमिनेंस। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ डेफियंस, पिछली बार एडेंस किया था, ओबिडियंस करेंगे। बहुत सही जा रहे हैं, 16,020 का स्कोर है। विच वर्ड इज सिमिलर टू प्यूनिटिव, प्यूनिटिव ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट पीनल कर लेते हैं, सजा देने वाला। विच वर्ड इज सिमिलर टू बूम, बूम माने तरक्की, फ्लोरिश माने भी तरक्की। विच वर्ड इज सिमिलर टू रैक, ओ भाई बहुत टफ आ गया, रैक, रैक, टॉर्मेंट, तुक्का मार दिया भाई मैंने, और तुक्के के चक्कर में हो गए हम परफेक्ट। हमारा स्कोर हो चुका है 16,680।